दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। आज हम बात करेंगे T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा JIB वर्सेस COB यानी कि कोबरा क्रिकेट क्लब के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो देखो यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे भाई एक वीडियो बनाने के लिए यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने ये जो है कर लिया होगा। चलिए अब बात करें हमारी टीम के बारे में। देखो विकेट कीपर में आपके पास चार ऑप्शन है, अश्व का ऑप्शन होने वाला है, एच अहमद हो गए, एन अहमद हो गए और एन एन हो गए। दोस्तों अब इन चार में से जो दो बेस्ट ऑप्शन आपके पास होने वाले हैं ना, वो होने वाले एक तो एच अहमद का और दूसरा एन अहमद यानी कि निसार अहमद का। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, जबकि अगर यहाँ से हम बात करें दोस्तों एश के बारे में तो यार इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे हो गया है। अगर वैसे टॉप ऑर्डर में इनको कई बार भेज देते बट अभी रिसेंट में नीचे आ रहे, तो अगर ये इस मैच में ऊपर आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, फिर हम इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी एन का तो बैटिंग ऑर्डर ही काफ़ी नीचे होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एच अहमद के बारे में बात करें, हसन अहमद के बारे में नंबर तीन ही आपको बैटिंग करके देंगे, काफ़ी अच्छे प्लेयर है दोस्तों, ताबड़तोड़ खेलते, लास्ट मैच में 12 रन पे आउट हो गए बट उससे पहले इन्होंने जो है कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, तो आप इनको लेके चल सकते हो। वहीं दोस्तों निसार अहमद ग्रैंडली खेल रहे हो ना मेरे भाई, तो इस बंदे को जरूर रखना। क्यों? क्योंकि ये ओपन करेगा, ठीक है, प्लस ये एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं तो कैचेस वगैरह पकड़ के भी दे सकते हैं। हालांकि लास्ट मिनट में 0 पे आउट हो गए, उससे पहले 2 रन पे आउट हो गए बट मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। ग्रैंड लीग में तो जरूर लेना भाई, मैं स्मॉल लीग में भी फिलहाल रख रहा हूँ, दो हमारे विकेट कीपर रहने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों बैटिंग में, एक और आपके लिए ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले एचुल्ला हफीजुल्ला। ये बंदा इस मैच में ओपन करेगा, लास्ट मिनट में 0 पे आउट हो गया, उससे पहले 19 रन इन्होंने करे थे 13 बॉल्स में, स्ट्राइक रेट इनका अच्छा रहता है, उससे पहले फिर 0 पे आउट हो गए, फिर 50 रन करे, फिर 53 रन करे, तो परफॉर्मेंस दे सकते हैं दोस्तों अगर आप रिसेंट का स्कोर देखो तो, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। एस मसूद के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर चार आपको इस मैच में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, रिसेंट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं रहा, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो यदि इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो। अब दोस्तों इस मैच में देखो रिजवान, जिनका सिलेक्शन अगर आप देखोगे लगभग 89% है और ये इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे रहता है। अब इनके रिसेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो कई मैचेस में तो ये काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, अब किसी मैच में ये बॉलिंग भी करवा लेते, ओवर भी डाल देते, और किसी मैच में ना बैटिंग करते ना बॉलिंग करते, तो ये थोड़े से रिस्की प्लेयर हो जाते। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप इस मैच में ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, तो इस प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क ले लो। मैं फिलहाल स्मॉल लीग में नहीं रख रहा हूँ, मैं टॉस के अकॉर्डिंग देखूंगा, जब टॉस हो जाएगा उसके बाद मैं लाइनअप देखूंगा कि ये बैटिंग करने कहाँ आ रहे, बॉलिंग करेंगे नहीं करें, वो अपडेट मैं टेलीग्राम पर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। बाकी अगर यहाँ से हम किसी और के बारे में बात करें जो अच्छे ऑप्शन, वो एस नवाज़ होने वाले, शाहरुख नवाज़ ओपन करेंगे, ताबड़तोड़ प्लेयर है, लास्ट मिनट में 63 रन करे थे और मैंने आपको कैप्टनसी के लिए भी बोला था कि आप इनको कैप्टन कर सकते हो और आपने अगर करा होगा तो 63 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, वो 63 रन भी मात्र 18 बॉल्स में करे थे, तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, हमको इनको रखना है। यू मोहम्मद एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले, वन डाउन खेलेंगे दोस्तों, नंबर तीन पे बैटिंग करेंगे, लास्ट मैच के बारे में बात करूँ 6 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 8 रन इन्होंने करा, इतना बड़ा स्कोर नहीं रहा बट एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है, ये बॉलिंग भी करवा के दे सकते हैं दोस्तों कई बार, ठीक है, और टॉप ऑर्डर में आ रहे तो रन भी कर सकते, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है, तीन हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें दोस्तों, अहमद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है वसीम अहमद, बैटिंग ऑर्डर तो देखो नंबर 7 पे इनका रहता है, बॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एक ओवर ओपन में डाल देते, एक ओवर डेथ में डाल देते, तो आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है दोस्तों। लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने जो है
निकाला था। उससे पहले जो है 5 मैचेस अगर आप देखोगे टोटल रिसेंट के, सिर्फ 2 विकेट निकाले। ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क आप इनको ले सकते हो, स्मॉल लीग में लेके चल सकते हो। रसिक कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप किसी को करना चाहते हो तो रसिक आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा ओपन करेगा, प्लस 2 ओवर आपको पूरे बॉलिंग भी करवा के देता है। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 17 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली और 1 विकेट निकाला। रिसेंट के अगर टोटल 5 मैचेस के बारे में बात करूँ, 3 विकेट बॉलिंग से निकाले और तकरीबन 100+ रन भी इन्होंने करे, तो कैप्टन भी आप कर सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। एम बुरान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, देखो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है, बॉलिंग जो है इनकी कई बार कट जाती है, ठीक है। तो अभी तो हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं टॉस के बाद, इनकी टीम के पास बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। इस वजह से इनके ओवर शायद कट सकते हैं। यदि बॉलर इनके जो ऐसे ऑप्शन है जो बॉलिंग करवा रहे वो नहीं खेलते, तो इनको फिर 2 ओवर करने का मौका मिल जाएगा। वो टॉस के बाद मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा कि ये बॉलिंग करेंगे नहीं करें, उस हिसाब से हम रख लेंगे। जैकोब के बारे में बात करें, मिडिल ओवर्स में आपको बॉलिंग करवा के देंगे दोस्तों, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 0 विकेट निकाले, लेकिन लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ तो 8 विकेट निकालते हुए आ रहे, प्लस बैटिंग आती है तो वहाँ पर भी रन कर सकते हैं, आप इनको लेके चल सकते हैं। इस मैच में अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो जे वस को अपनी टीम में रख लीजिएगा यदि इनकी टीम बॉलिंग करती है, क्योंकि ये 1 ओवर ओपन में डालते हैं और 1 ओवर डेथ में, तो वहाँ आपके लिए जो है एक अच्छे ऑप्शन ये बन सकते हैं दोस्तों, जना का वस, ठीक है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल 7 विकेट इन्होंने अभी तक निकाले, एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। ग्रैंड लीग खेल रहे हो या स्मॉल लीग खेल रहे हो, एस कुमार को आप इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जा सकते हो दोस्तों। संजय कुमार एक अच्छे ऑप्शन है, क्यों? नंबर 4 पे बैटिंग भी करके देते हैं, प्लस आपको 2 ओवर पूरे बॉलिंग से करवा के देते हैं। रीसेंट के 4 मैचेस में 2 विकेट निकाले और बैटिंग से अगर मैं बात करूँ, मात्र 10 रन करे। हालांकि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे, रन भी बना सकते हैं, विकेट भी निकाल सकते हो और आपको पॉइंट भी दे सकते हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको लेके चल सकते हो। बिलाल खान को मैं सजेस्ट करूंगा सेकेंड इनिंग्स में अगर आप ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। लास्ट रन में 1 विकेट निकाले और रीसेंट के अगर आप 5 मैचेस देखोगे तो 4-5 विकेट निकाले हुए दोस्तों। फिलहाल तो मैं संजय कुमार और यहाँ से जना का वस्को रख रहा हूँ, 5 हमारे ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग के बारे में बात करें, जे सिंह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, देखो ओवर इनके कट जाते हैं, शायद बॉलिंग ही नहीं कराए तो इनको तो हम ड्रॉप कर सकते हैं। RMS सेकेंड इनिंग्स में जरूर ट्राई करना, मात्र 9% सेलेक्शन है मेरे भाई। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो और स्मॉल लीग में भी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इनको सेकेंड, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो जरूर ट्राई करना। रीसेंट के 4 मैचेस में हालांकि अभी तक 1 विकेट इन्होंने निकाला है दोस्तों। इनके अलावा इमरान 2 ओवर आपको ओपन में करके दे देते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला और रीसेंट के 5 मैचेस में 6 विकेट निकाले और कंटिन्यू सभी मैचेस में विकेट निकाल रहे हैं। ए माथुर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में देखो, माथुर के ओवर कट जाते हैं सबसे बड़ी बात, ठीक है, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इनकी टीम के पास 6-7 ऑप्शन है पहले ही बॉलिंग के, 6-7 से भी ज़्यादा ही है। रीसेंट के 5 मैचेस में वैसे 5 विकेट निकाले, यदि पूरे ओवर करवाएंगे तो हम रख लेंगे, वो अपडेट टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। फिलहाल तो मैं इमरान को लेके चल रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, देखो रसिक आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों करके दे देते, तो आप आसानी से जो है इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। और जैकोब को एज ए वाइस कैप्टन ले सकते हो, नंबर 5 बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे। इनके अलावा अगर आप किसी और के साथ जाना चाहते हो दोस्तों, तो देखो ग्रैंड लीग के लिए संजय कुमार अच्छे ऑप्शन है, बाकी अगर यहाँ से GIB की तरफ से किसी को करना चाहते हो तो नवाज को कर सकते हो। फिलहाल ये हमारी टीम है, आप इसके साथ अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।